रामायण मैं काल हूं। देवताओं की योजना के अनुसार श्री हरि विष्णु महारानी कौशल्या के गर्भ में पलने लगे, परंतु धरती लोक में श्री विष्णु अकेले नहीं आए। उनके साथ सुमित्रा के गर्भ में शेषनाग, केकई के गर्भ में विष्णु का शंख और चक्र भी आए। जैसे जैसे बच्चों के जन्म का समय पास आता जा रहा था, अयोध्या के राजमहल में खुशियों की वर्षा हो रही थी। महाराजा दशरथ दिन रात राजमहल में बच्चों की किलकारियों की कल्पना में डूबे रहते थे। माता कौशल्या को स्वप्न में भी यही लगता था कि साक्षात श्री विष्णु उनके पुत्र के रूप में उनसे बातें कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं माते, आपके पुत्र के रूप में मैं आ रहा हूं। मैं भी जाने कब से तुम्हारी राह देख रही हूं पुत्र, शीघ्र आओ। महारानी कौशल्या, महारानी कौशल्या, क्या किसे बुला रही हैं? कुछ सोच रही हैं आप? क्या आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ, शायद मैं स्वप्न ही देख रही थी महाराज। ऐसा लगा जैसे सुंदर सलोने श्री हरि बालक रूप में मुझे पुकार रहे हैं। अवश्य आपका स्वप्न सच होने वाला है कौशल्या, सच। जाने क्यों हमें तो लगता है अयोध्या का राजमहल प्रभु की लीला भूमि बनने जा रहा है। नारायण नारायण, प्रणाम स्वीकार करें परमपिता। बड़े प्रसन्न हो पुत्र नारद, कोई विशेष सूचना है? आपसे क्या छिपा है परमपिता, आप तो सब कुछ जानते हैं। अयोध्या की राजमहल में हरि विष्णु के अवतार रूप की अधीरता से प्रतीक्षा हो रही है। अयोध्या ही क्यों पुत्र, महाराज दशरथ के पुत्र की प्रतीक्षा तो सारा संसार कर रहा है। सत्य कह रहे हैं परमपिता, किंतु दूसरी ओर राक्षस राज लंकापति रावण का अहंकार तो बढ़ता जा रहा है। पुत्र नारद, लंकेश रावण जो भी कह रहा है उसमें उसका भय ही छिपा है, जबकि सत्य तो ये है कि मुझे राम के रूप में असुरों, दानवों और दैत्यों के विनाश की आहट मिल रही है। तो राम के आने में देर क्यों है परमपिता? अब और देर नहीं पुत्र, वो देखो सारे संसार की प्रतीक्षा समाप्त हुई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी, भूषण बन मल नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। तो आखिर माता कौशल्या और सारे संसार की प्रतीक्षा समाप्त हुई, प्रभु के जन्म लेने की वो शुभ घड़ी आ ही गई। हे प्रभु, कैसे दिखते होंगे आप, कैसी होगी आपकी मीठी किलकारी जिसे सुनने के लिए हमारा मन तरस रहा है। अयोध्या के राजमहल में खुशियों की वर्षा हो रही थी। माता कौशल्या को स्वप्न में भी यही लगता था कि साक्षात श्री विष्णु उनके पुत्र के रूप में उनसे बातें कर रहे हैं। माते, आंखें खोली। श्री हरि विष्णु, आप, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। विश्वास कीजिए माता, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लेने के लिए आया हूँ। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई, किंतु मेरी एक विनती है, कृपा करके आप इस विराट रूप को त्याग कर बालक रूप में मेरे पास आए, जिससे मैं आपको अपनी गोद में खिला सकूं। अब तो मैं भी आपका बालक हूं माँ, आप जो आदेश देंगी मुझे मानना ही होगा।
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। महाराज महाराज क्या सूचना है दासी? महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। आओ भाग्य मेरे। दासी प्रथम सूचना के लिए तुम्हारा ये पुरस्कार। महाराज ये चढ़ाऊ हार? हार क्या, इस सूचना के लिए तो अयोध्या का राजकोष भी कम है दासी। महाराज महाराज महारानी कैके को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज महाराज महारानी सुमित्रा दो पुत्रों की माँ बनी है। ईश्वर इतनी खुशी तो मेरे मन में ही नहीं समाती। सुमंत अयोध्या का राजकोष खोल दिया जाए, सबको मुंह मांगा दान दिया जाए, उत्सव की तैयारियां की जाए। प्रभु कैसा रूप पाया है तुमने, तुम्हें जिसने देखा धन्य हो गया। आज मां कौशल्या ही नहीं तीनों लोगों को पंख लग गए, खुशियां संभले नहीं संभलती। रामा